नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो बॉलीवुड और टीवी के सीनियर एक्टर अनुपम श्याम का 8 अगस्त को निधन हो गया। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अनुपम श्याम के निधन से पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अनुपम श्याम ने साल 1996 में फिल्म सरदार बेगम से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। 3 दशक लंबे करियर में अनुपम श्याम ने ढेरों हिंदी फिल्में की हैं। इसमें से ज़्यादातर वे विलन के रोल में ही नजर आए हैं, लेकिन जो मुकाम और स्टारडम अनुपम श्याम को ठाकुर सज्जन सिंह बनकर मिला, वो किसी और किरदार से उन्हें नहीं मिला। आपको बता दें कि मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में निभाए इस किरदार से अनुपम श्याम को इस कदर पॉपुलैरिटी मिली कि उनके असली नाम से ज़्यादा स्क्रीन वाले नाम से वो हिट होने लग गए थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनुपम श्याम ने लखनऊ के बहादुर तेंडू अकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट से एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी थी और फिर शोबिज इंडस्ट्री में कदम भी रख दिया। आपको बता दें कि अनुपम श्याम ने साल 1995 में दूरदर्शन के टीवी शो अमरावती की कथाओं से एक्टिंग की में एंट्री ली थी। इस शो में वे छोटे रोल में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने 1996 में फिल्म सरदारी बेगम के जरिए हिंदी फिल्मों में कदम रखा। अनुपम श्याम को फिल्में मिल रही थी और रोल भी दमदार थे, बावजूद इसके अपनी एक अलग पहचान बनाने और मुकाम हासिल करने में उन्हें सालों लग गए। एक्टिंग की दुनिया में उनका सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा, पर अनुपम श्याम ने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग के दम पर एक अलग छाप छोड़ने में वे कामयाब रहे। दोस्तों आपको बता दें कि कई तमाम बेहतरीन फिल्मों में श्याम जी काम कर चुके हैं। इसमें अनुपम श्याम ने लज्जा, दुश्मन, दस्तक, नायक, द रियल हीरो, शक्ति, द पावर, पाप, रक्तचरित और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी कई शानदार फिल्मों में दमदार रोल निभाए हैं। फिल्मों के अलावा वो कई टीवी शोज में भी दिखे हैं, जिसमें से मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में निभाए सज्जन सिंह ठाकुर के रोल के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस रोल ने अनुपम श्याम को घर घर में मशहूर कर दिया था। खुद अनुपम श्याम भी इस रोल से बेहद खुश थे और इसे अपना फेवरेट किरदार बताते थे। एक इंटरव्यू में मन की आवाज़ प्रतिज्ञा 2 के प्रोड्यूसर राजन शाही ने बताया कि अनुपम श्याम मन की आवाज़ प्रतिज्ञा 2 को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वे बहुत खुश थे कि एक बार फिर उन्हें अपना फेवरेट किरदार निभाने का मौका मिलेगा। इस शो पे भी काम चल रहा था और बहुत जल्दी ये शो आने वाला था, लेकिन बहुत दुखद खबर सामने आई है और अब एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर इस दुनिया में नहीं रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार।